ठीक। आज इलेक्ट्रॉन और फोटॉन के अंतर्गत हमारा अध्ययन की जो मुख्य बिंदु है वह है इलेक्ट्रॉन की सामान्य परिचय क्या होती है, इलेक्ट्रॉन का जो विशिष्ट आवेश होता है E बाई एम, इसका निर्धारण किसने किया और E बाई एम का मान कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या होती है, उस पर कितनी आवेश होती है, इलेक्ट्रॉन उल्ट क्या होता है, इसके बारे में अध्ययन किया जाएगा। तो हम सबसे पहले ले लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन का सामान्य परिचय क्या होती है। इलेक्ट्रॉन का सामान्य परिचय, तो इलेक्ट्रॉन के सामान्य परिचय के बारे में हम जैसे जानते हैं कि हमारे पास यदि हम रसायन की बात करें तो किसी भी तत्व की एक परमाणु होती है, उस परमाणु के नाभिक में क्या उपस्थित रहती है। जैसे हम देखें कि हमारे पास एक परमाणु का नाभिक है ये, और ये जितनी भी दिख रही है ये इसकी बाह्य कक्ष होती है। तो परमाणु के नाभिक में हम देखते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होती है, और इलेक्ट्रॉन जो होती है ये विभिन्न कक्षाओं में क्या करता है, चक्कर लगाते रहता है। चलिए यदि हम इसको इसे प्रदर्शित करें तो ये विभिन्न कक्षाओं में क्या करती है, चक्कर लगाते रहती है। तो ये इस इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं बद्ध इलेक्ट्रॉन के नाम से इसको जाना जाता है, बद्ध इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इस इलेक्ट्रॉन को यदि किसी भी विधि के माध्यम से ऊर्जा दे दिए जाए तो यह इलेक्ट्रॉन क्या करती है, उस ऊर्जा को अवशोषित कर लेती है। अवशोषित करने के बाद ये इस कक्ष से उत्तेजित होकर कहाँ चले जाते हैं, बाह्य कक्ष में, या परमाणु के जो नाभिक होती है उससे हट करके जो पृष्ठ होती है, बाह्य कक्ष होती है, उस कक्ष में चक्कर लगाते रहती है। तो इस प्रकार के इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन या मुक्त इलेक्ट्रॉन। मुक्त इलेक्ट्रॉन के नाम से उसको जाना जाता है। और यही मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होती है परमाणु या अणु की जो रासायनिक गुण होती है उसमें काम आता है, और जितने भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होती है, चाहे वो रेडियो हो, ट्रांजिस्टर हो, घड़ी हो, कैलकुलेटर हो, कंप्यूटर हो, जो भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, उस सारी इलेक्ट्रॉनिक जो सामान होती है उन सामान में या उस प्रकार की युक्ति में यही जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होती है वह क्या करता है, संचालन करता है। तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉन के सामान्य परिचय में यदि हम इसकी बात करें तो इस पर आवेश का मान कितना होता है और इसकी जो विशिष्ट आवेश क्या होती है ये भी हम देख सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की जो आवेश होती है उसको हम ई से प्रदर्शित करते हैं, और ई का जो मान होता है वो होती है 1.6×10^-19 कूलाम, ये प्राप्त होती है। यदि हम इसकी द्रव्यमान की बात करें, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान, चूंकि इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को हम एम ई से प्रदर्शित करते हैं तो एम ई बराबर ये आ जाता है 9.1×10^-31 किलोग्राम प्राप्त होती है। चूंकि यहाँ पर नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, यदि इसकी हम द्रव्यमान की बात करें तो यहाँ पर लिख सकते हैं न्यूट्रॉन का द्रव्यमान नियर इक्वल टू 1.67×10^-27 किलोग्राम प्राप्त होती है। तो इस तरीके से हम न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और पृष्ठ पर गति करने वाले जो इलेक्ट्रॉन होती है उस पर कितना आवेश होता है, उसकी द्रव्यमान कितनी होती है, ये सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉन के सामान्य परिचय के अंतर्गत देख सकते हैं। अब इसमें एक दूसरा बिंदु है, इलेक्ट्रॉन का जो विशिष्ट आवेश होता है उसका निर्धारण किसने किया और वह क्या चीज़ होती है। तो इस पर जो आवेश की उपस्थिति है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का जो आवेश जिसको हम ई से प्रदर्शित कर रहे हैं, चूंकि यह एक ऋणात्मक चार्ज वाली होती है इसलिए यहाँ पर हम क्या चार्ज लगाएंगे, e^-, लगाएंगे या ऋण लगाएंगे, ठीक है। तो इसकी उपस्थिति का सर्वप्रथम जो अध्ययन किया था वह जे थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने इनको देखा था कि एक विसर्जन नली लिया और उस विसर्जन नली में इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति का पता लगाया कि इलेक्ट्रॉन वास्तव में कैसे उत्पन्न होती है और क्या चीज़ होती है। उस पर जो आवेश का जो निर्धारण करना था उसको दूसरे वैज्ञानिक ने देखा, और उस दूसरे वैज्ञानिक का नाम है R.A. Millikan। तो उन्होंने ये जो निगेटिव या ऋणात्मक जो चार्ज होती है उस चार्ज के बारे में बताया मिलिकान ने।
फिर बाद में थॉमसन ने फिर देखा कि उसमें E बाई एम, जिसको हम कहते हैं विशिष्ट आवेश, E बटे एम, अर्थात इलेक्ट्रॉन के जो आवेश होती है और द्रव्यमान होती है, दोनों के अनुपात को हम क्या कहते हैं, विशिष्ट आवेश होता है। तो इस विशिष्ट आवेश का निर्धारण जे जे थॉमसन के द्वारा किया गया, और इसकी मान कितनी आती है, ये जो होती है जे जे थॉमसन के जो सूत्र निकलेगी, उस सूत्र के माध्यम से E बाई एम का निर्धारण कर सकते हैं। इससे ये भी पता चलता है कि जब हम विशिष्ट आवेश का मान निकाल लेंगे तो उस इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितनी होगी, ये भी निकाली जा सकती है। तो वास्तव में यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन की जो विशिष्ट आवेश निकलती है, उससे हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है उसका निर्धारण किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम यही अध्ययन करेंगे कि E बाई एम का मान कितनी होती है और जे जे थॉमसन की प्रायोगिक विधि क्या है। इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश, E बाई एम का निर्धारण, E बाई एम का निर्धारण करने के लिए वैज्ञानिक जे जे थॉमसन ने देखा इसमें इलेक्ट्रॉन के विशिष्ट आवेश, अर्थात इलेक्ट्रॉन की जो आवेश होती है और उसकी द्रव्यमान होती है, इसके अनुपात को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश कहते हैं। और इस इलेक्ट्रॉन के विशिष्ट आवेश का जो मान होती है, एक नियत मान होता है, और इससे हम क्या कर सकते हैं, द्रव्यमान का निर्धारण कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो मान निकलेगी वो सभी प्रकार के जितने भी तत्व होगी और उस तत्व से जो इलेक्ट्रॉन प्राप्त होगा, वह सभी इलेक्ट्रॉनों के लिए इसका मान क्या रहेगी, सर्वसम रहेगी, मतलब सभी इलेक्ट्रॉनों के लिए, सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनों के लिए उसका मान क्या रहेगा, बराबर रहेगा, नियत रहेगा। इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश। तो इस इलेक्ट्रॉन के विशिष्ट आवेश का जो प्रयोग है या इसका निर्धारण करने की जो विधियां हैं, इसमें मुख्य जो दो बातें होती है, पहला जो बात है वह हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो गतिमान होती है, या हम ये कह सकते हैं कि गतिमान आवेश विद्युत धारा के क्या होती है, तुल्य होता है। पहला पॉइंट हम ले सकते हैं गतिमान इलेक्ट्रॉन विद्युत धारा के तुल्य होता है, और दूसरी बात हम इसमें ले सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होती है वह चूंकि ऋणात्मक आवेश वाले होता है, तो हम वहां पर ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन आवेशित कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन आवेशित कण होते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र से विक्षेपित हो जाता है। तो ये दो तथ्य है E बाई एम के निर्धारण करने के लिए, विशिष्ट आवेश का मान ज्ञात करने के लिए ये दो यहाँ पर बिंदु दी गई है। इसी बिंदु के आधार पर E बाई एम का निर्धारण किया जाएगा। गतिमान इलेक्ट्रॉन विद्युत धारा के बराबर होगी, उसकी तुल्य होगी, और दूसरी पॉइंट ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन आवेशित कण होते हैं जो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र यदि हम लगाते हैं तो उसके द्वारा क्या हो जाएगी, वह विक्षेपित हो जाएगी। तो E बाई एम के निर्धारण करने के लिए इसकी जो संरचना है उस संरचना को देख लेते हैं। इस संरचना में इसकी जो चित्र होगी, इस चित्र के हिसाब से उसमें क्या क्या बिंदु होती है, उस बिंदु के आधार पर यहाँ पर हम वर्णन करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं उपकरण की संरचना।
उपकरण की संरचना। उपकरण की संरचना में कैथोड है, इसको हम कहेंगे विसर्जन नली, विसर्जन नली। और ये होगी एनोड। यहां पर एक सवाई धातु की दो प्लेटें हैं, यहां पर जो लगा रहे हैं इसको हम कहेंगे विद्युत क्षेत्र, यहां से लगा रहे हैं और यहां से लगाएंगे चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र, ये एक पर्दा है। अब इसको हम एक्सप्लेन कर लेते हैं या इसका वर्णन कर लेते हैं, इसमें है क्या क्या चीजें। तो इस उपकरण में हम देख रहे हैं कि एक विसर्जन नली है और इस विसर्जन नली में 0.01 मिलीमीटर जो पारे की दाब होती है उस दाब पर गैस भरा रहता है। कैथोड और एनोड के बीच का जो विभवांतर होती है इसको हम रखते हैं 10 किलो वोल्ट से 15 किलो वोल्ट के बीच में रहता है कैथोड और एनोड के बीच का विभवांतर है। ठीक है, यहाँ पर इस विसर्जन नली के जो लास्ट वाले जो बिंदु है उस बिंदु पे एक पर्दा लगा हुआ है और इस पर्दे में एक प्रतिदीप्तशील पदार्थ जो जिंक सल्फाइड होती है उसका लेप कर दिया जाता है। यहाँ से जो निकलने वाली जो कैथोड किरणें हैं उस कैथोड किरणें सरल रेखा में गति करते हुए पर्दे के बिंदु पी पर जाएगी। ठीक है, पी पर जाने के बाद में यदि वह चमक उत्पन्न करता है, ठीक, चमक उत्पन्न करने के बाद में ये इसी रेखा पर क्या करती रहेगी, चलते रहेगी। यहाँ पर एक्स और वाई धातु की जो प्लेटें होती है तो यहाँ पर ये जो दूसरा जो गोला दिखाई दे रहा है इस पर एक चुंबकीय क्षेत्र आरोपित किया गया है और जो कैथोड किरणें जो चल रही है उस कैथोड किरणें के लंबवत एक विद्युत क्षेत्र यहाँ पर लगाया जा रहा है। तो इस तरीके से हम दो क्षेत्र इस पर लगाते हैं, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, तो ये हो गए इस उपकरण का वर्णन। यहाँ पर ये एनोड, ये जो दिख रही है कैथोड है और इस प्रकार की नली या संरचना होती वो क्या होती है, एक विसर्जन नली होती है जिसमें कैथोड किरणें के कारण इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति का क्या लगाया गया, पता लगाया गया। ठीक है, और इसका पता लगाने का जो मुख्य काम था वो किसके द्वारा किया गया था, जे थॉमसन के द्वारा इसको किया गया था। अब इसमें इसकी जो सिद्धांत जो देखेंगे वो सिद्धांत दो बिंदुओं पर आधारित होती है। पहला बिंदु हम देख चुके हैं कि गतिमान जो इलेक्ट्रॉन होती है वह क्या होती है, विद्युत धारा के बराबर होती है, विद्युत धारा के क्या होती है, तुल्य होती है। दूसरा बिंदु हम क्या लिए थे कि विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा चूंकि आवेशित कण होती है इस कारण वह क्या हो जाती है, विक्षेपित हो जाता है। ठीक है, तो यही दो तथ्य है, दो तथ्यों को लेकर हम यहां पर इसके सिद्धांत का निर्धारण करेंगे। तो सिद्धांत में हम ये देख रहे हैं कि जब यहां पर कैथोड किरणें पर कोई भी क्षेत्र यहां पर नहीं लगाया गया है, दो क्षेत्र यहां पर लगा रहे हैं, एक विद्युत क्षेत्र, दूसरा क्या है, चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है ना, तो यदि हम दोनों क्षेत्र नहीं लगाते हैं तो कैथोड किरणें से निकलने वाली जो किरणें हैं या जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन पुंज, वह सीधी रेखा में चलते हुए पर्दे की बिंदु पी पर क्या करेगी, टकराएगी और यहां पर चमक उत्पन्न करेगी। ठीक, यदि हम क्या करते हैं इस पर विद्युत क्षेत्र लगाते हैं तो विद्युत क्षेत्र लगाएंगे तो ये जो इलेक्ट्रॉन पुंज या कैथोड किरण जो निकल रही है वह धन प्लेट की ओर क्या करती है, आकर्षित करती है। यहां पर ये प्लस है, इसको हम प्लस कर देते हैं, इसको हम कर देते हैं माइनस। ठीक है, तो पर्दे
कि बिंदु P पर जो चमक उत्पन्न किया गया था वहां कहां पे टकरा रही है, कहां पे विक्षेपित हो रही है, बिंदु Q पर चले गया, ये सीधी रेखा में न जा करके कहां पे चले गया, विक्षेपित हो गया विद्युत क्षेत्र के कारण और Q बिंदु पर चले गई। ठीक ठीक उसी तरीका से यदि हम चुंबकीय क्षेत्र अप्लाई करें या चुंबकीय क्षेत्र आरोपित करें तो जो इलेक्ट्रॉन पुंज निकल रही है, कैथोड किरणें जो निकल रही है, वह पर्दे के Q डैश पर विक्षेपित हो जाती है, मतलब ऋणात्मक प्लेट की ओर क्या हो जाती है, वह विक्षेपित हो जाती है। ठीक है, अब यदि मान लीजिए हम दोनों क्षेत्र एक साथ अप्लाई करें, तो दोनों क्षेत्र एक साथ अप्लाई करेंगे तो क्या होगी, जो विक्षेप यहां पर जो आ रहा है इलेक्ट्रॉन का जो विक्षेपित हो रही है, एक प्लस की ओर दूसरी क्या है माइनस की ओर, तो दोनों क्षेत्र यदि एक साथ अप्लाई किया जाता है या एक साथ आरोपित किया जाता है तो वहां पर इलेक्ट्रॉन का जो विक्षेप होगा वह क्या होगा, शून्य होगा। क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देगी, निरस्त कर देगी। ठीक है, तो ये इसका क्या है, बेसिक सिद्धांत है कि इलेक्ट्रॉन कैसे प्राप्त होती है, समझ में आ गया। चूंकि आवेशित कण है इस कारण विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में धन प्लेट की ओर आकर्षित हो जाती है, चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में ऋण प्लेट की ओर आकर्षित हो जाती है, और यदि दोनों क्षेत्र एक साथ लगाते हैं तो वह क्या हो जाएगी, दोनों का विक्षेप शून्य हो जाएगा, दोनों एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देगी, निरस्त कर देगी। ठीक है, तो उस स्थिति में हम ये कह सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र के द्वारा लगाया गया बल चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा लगाए गए बल के क्या होगी, बराबर होगी। जब बराबर होगी तभी यहां पर जो विक्षेप आ रही वो क्या होगा, शून्य होगा। ठीक है, तो यहां पर हमें ये चले मान के चलें कि यदि हम इलेक्ट्रॉन के जो आवेश है उसको हम ई मानते हैं, मान के चलते हैं इलेक्ट्रॉन का आवेश ई हो और द्रव्यमान इसको हम ई माने, वेग जो है वी वेग से क्या कर रही है, गति कर रही है, तो चुंबकीय क्षेत्र विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम ई मानते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये क्या हो जाएगी, ई हो जाएगी। तो विद्युत क्षेत्र के द्वारा लगाया गया बल क्या होगा, विद्युत क्षेत्र के द्वारा लगाया गया बल ये क्या हो जाएगी, ई ई, जहां पर ई इलेक्ट्रॉन का आवेश है और ये कैपिटल ई जो ले रहे हैं वह क्या चीज है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। ठीक इसी प्रकार चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा लगाया गया बल क्या हो जाएगा, पुनः चुंबक क्षेत्र के द्वारा लगाया गया बल ये क्या हो जाएगा, ई वी बी, जहां पर बी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, ई इलेक्ट्रॉन का आवेश है और वी क्या चीज है, इलेक्ट्रॉन का वेग है। ठीक है, अब हम यहां पर यह देख रहे थे कि जब दोनों क्षेत्र एक साथ आरोपित किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन का जो विक्षेप होगी वह विक्षेप कितना होगा, शून्य होगा। ठीक है, ना तो वह प्लस की ओर विक्षेपित होगा और ना ही माइनस की ओर विक्षेपित होगी। उस स्थिति में दोनों बल आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ठीक, तो दोनों बल आपस में बराबर होगी तो हम यहां पर लिख सकते हैं E बराबर E V B, यहां से E और E कैंसिल तो वेग निकल गया E बटे V, इसको हम समीकरण एक मान के चलते हैं। ठीक है, दूसरी स्थिति हम ये देख रहे हैं कि कैथोड और एनोड है उसके बीच में यहां पर कितना विभवांतर लगाया गया था, 10 किलो वोल्ट से 15 किलो वोल्ट के बीच में यहां पर विभवांतर आरोपित की जाती है। यदि हम विभवांतर को V से प्रदर्शित करें, यदि विभवांतर V हो, ठीक है, तो उस स्थिति में कैथोड की स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा का मतलब क्या होती है, स्थिति के द्वारा उत्पन्न ऊर्जा को हम क्या कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक उसी तरीके से गति के द्वारा उत्पन्न ऊर्जा को हम क्या कहते हैं, गतिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर कैथोड जो प्लेट है यहां से क्या हो रही है, कैथोड किरणें निकल रही है, तो यहां पर क्या होगी,
कैथोड की स्थितिज ऊर्जा होगी, ठीक है। और एनोड के पास पहुंचा तो ये कैथोड किरणें गति करके यहां पर पहुंची, तो एनोड पर क्या हो जाएगा, उसका गतिज ऊर्जा हो जाएगा, ठीक है। तो कैथोड की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, यदि विभवांतर V हो तो कैथोड की स्थितिज ऊर्जा, कैथोड की स्थितिज ऊर्जा, कैथोड की स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, ई वी के बराबर होगा, ठीक है। उसी तरीके से चूंकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना माना गया था, एम माना गया था, तो एनोड पर उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, तथा एनोड पर इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा एक बटे दो एम वी का वर्ग, दोनों आपस में क्या होगी, बराबर होगी। कैथोड की स्थितिज ऊर्जा और एनोड की स्थितिज ऊर्जा दोनों आपस में क्या ले सकते हैं, बराबर ले सकते हैं। तो यहां पर हम लेंगे ई वी बराबर एक बटे दो एम वी का वर्ग, ठीक है। यहां से इनको हम सरल करें तो ये ले सकते हैं कितना, 2EV बराबर V का वर्ग, ठीक है। और आगे इसको हम सरल करें तो यहां से हम निकाल सकते हैं E बाई M, यहां से E by M निकल जाएगा, तो ये कितना बचेगा, V square बटे 2V, V square बटे 2V, ठीक है। समीकरण नंबर दो, समीकरण एक और समीकरण दो से वेग निकला हुआ है E बटे V, यहां पर वेग दिख रही है तो यहां पर वेग का मान रख देंगे, तो समीकरण एक और दो से E बाई एम का मान निकल जाएगा, E बाई एम बराबर यहां पर V स्क्वायर है तो यहां पर क्या हो जाएगी, E का स्क्वायर बटे यहां पर कितना दिया है 2V, और ये हो जाएगा V का स्क्वायर। इसको हम कर सकते हैं समीकरण नंबर तीन। तो ये जो समीकरण तीन जो निकला हुआ है उसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और 2V यहां पर दिख रही है, ये क्या चीज है, एनोड और कैथोड के बीच में जो आरोपित विभवांतर है जो 10 किलो ओम से 10 किलो से 15 किलो के बीच में वोल्ट रहती है, ठीक है। यदि इन सारी चीजों का मान यदि अपने को पता चल जाए तो उस स्थिति में हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन के विशिष्ट आवेश की गणना कर सकते हैं। और ये जो मान निकलती है इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश, तो यहाँ पर इस सूत्र में E by M का निर्धारण करना है या मान निकालना है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, कैथोड और एनोड के बीच जो आरोपित विभवांतर है उन सब चीज का मान यदि ज्ञात हो जाए तो हम E by M का मान निकाल सकते हैं। और E by M का जो मान होती है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश E by M, इसका जो मान होता है वो होती है 1.759 गुणित 10 का घात 11, इतनी प्राप्त होती है। जब यहां पर ये मान निकल जाएगी तो हम द्रव्यमान का भी क्या कर सकते हैं, निर्धारण कर सकते हैं। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन के विशिष्ट आवेश ज्ञात करने के लिए जे थॉमसन ने एक प्रायोगिक प्रदर्शन किया जिसमें इस तरीके से एक विसर्जन नली ली और इलेक्ट्रॉन के विशिष्ट आवेश ज्ञात किया जिसका मान 1.759 × 10^11 प्राप्त होती है, ठीक है। तो ये था जे थॉमसन का प्रायोगिक प्रदर्शन जिससे इलेक्ट्रॉन के विशिष्ट आवेश ज्ञात की जा सकती है। अब यहाँ पर जो दूसरा जो वैज्ञानिक था जिसको हम कहते हैं आर ए मिलिकान, उन्होंने क्या देखा कि विशिष्ट आवेश का निर्धारण तो हो गया लेकिन वास्तव में इलेक्ट्रॉन, चूंकि हम कह रहे हैं कि वह एक आवेशित कण होती है, ठीक है ना, तो उस पर आवेश कितना होता है, उस आवेश का मान कितना होता है, इसका निर्धारण करने के लिए उन्होंने एक तेल बूंद विधि का प्रयोग किया। तो उसमें हम देख लेते हैं कि मिलिकान की तेल बूंद विधि क्या है।
मिलिकान की तेल बूंद विधि से आवेश का निर्धारण। तो इन्होंने भी एक प्रायोगिक प्रदर्शन किया और विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में इन्होंने देखा विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में आवेश का जो मान होती है Q बराबर ये सूत्र स्थापित किया। मिलिकान ने एक तेल बूंद लिया, उस तेल बूंद को क्या किया, एक उपकरण होती है, उस उपकरण में उसको जब तेल की एक बूंद को गिराते हैं तो उसका वेग कितना निकलता है और जिस पात्र में यहाँ पर उस बूंद को हम क्या करेंगे, गिराएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या भरा रहता है, एक लिक्विड भरा रहता है। तो हम जानते हैं कि यदि कोई भी बूंद जो होती है, यदि एक श्यान द्रव है, जैसे श्यान का मतलब क्या होती है, जैसे शहद ले लिया या ग्लिसरीन ले लिया, है ना, तो इस प्रकार के द्रव में यदि इस बूंद को, जैसे एक छर्रे होती है ना, उस छर्रे को हम क्या करेंगे, गिराएंगे। तो प्रारंभ में जैसे ही यह जो बूंद होगी इस श्यान द्रव पर गिरेगी तो क्या होगा, उसका वेग जो है बढ़ेगी, ठीक है, और थोड़ी समय के पश्चात वह एक नियत वेग से क्या करती है, गति करती है। तो यहां पर उसी वेग को क्या कह रहे हैं, V1 और V2 कह रहे हैं, ठीक। तो इस तरीके से उन्होंने एक प्रायोगिक प्रदर्शन किया जिसमें विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में आवेश का मान निकालने के लिए क्या सूत्र दिया, 18 पाई ईटा V1 प्लस V2 इंटू डी बटे V, और यहां पर क्या है, ईटा V1 अपॉन 2 रो माइनस सिग्मा इंटू जी का घात 1/2। इस सूत्र के माध्यम से मिलिकान ने तेल की एक बूंद के लिए जो आवेश का जो मान था उन्होंने निकाला, Q बराबर 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम्ब, इतना प्राप्त किया। तो इस तरीके से उन्होंने बहुत सारे बूंदों को लेकर के इस प्रयोग को किया, तो 100 बूंद ले लिया गया, ठीक है, और 100 बूंद लेने के बाद भी उस प्रयोग को दोहराया और दोहराने के बाद में जितनी आवेश का जो मान निकलता है उसका एक महत्तम समापवर्तक निकाला, और महत्तम समापवर्तक निकालने के बाद देखा कि आवेश का मान कितनी निकली, 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम्ब प्राप्त होती है। अर्थात इसका मतलब ये होता है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन में 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम्ब से कम आवेश प्राप्त नहीं हो सकती, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज के नाम से भी इसको जाना जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने सिद्ध कर दिया कि चाहे बूंद की मात्रा कितनी भी हो, 100 बूंद लें या एक बूंद लें या छोटा सा एक कण लें, ठीक है, प्रत्येक जो इलेक्ट्रॉन होगी उसमें आवेश का मान कितना होगा, 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम्ब ही प्राप्त होगी, इससे कम किसी भी इलेक्ट्रॉन का आवेश नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसमें एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि क्या इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होती उसका मान 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम्ब से कम हो सकती है, नहीं, ठीक है, क्योंकि इस प्रयोग को दोहराने के बाद ये पता चला कि इलेक्ट्रॉन कोई भी रहे उसका आवेश कितना होगा, 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम्ब प्राप्त होती है। तो इस तरीके से मिलिकान ने आवेश का निर्धारण करने के बाद उसमें कितना मान आता है, कितना कूलम्ब प्राप्त होती है, उसको यहाँ पर ज्ञात किया। तो इस विधि का महत्व क्या है, जो मिलिकान की जो तेल बूंद विधि है उसका महत्व क्या है, तो सबसे पहले हम इसका महत्व में देखें। महत्व में यदि हम पहला बिंदु लें तो इलेक्ट्रॉन के आवेश निर्धारण करने की सबसे सरल विधि है ये, मतलब इससे और सरल विधि कुछ नहीं है, ठीक है ना। उन्होंने एक पात्र लिया, उस पात्र में क्या भरे, यहाँ पर एक श्यान द्रव भरे, उसमें एक तेल की बूंद को एक स्प्रे होती है उस स्प्रे के माध्यम से गिराते हैं और उसका वेग ज्ञात करके इसका घनत्व ज्ञात करके उन्होंने एक सूत्र दिया और इस सूत्र के माध्यम से इलेक्ट्रॉन का आवेश यहाँ पर निर्धारण किया। तो ये विधि क्या होती है, इलेक्ट्रॉन के आवेश ज्ञात करने की सबसे सरल विधि है, ठीक है। दूसरा इसमें बिंदु हम ले सकते हैं कि जो एवोगैड्रो नंबर होती है उसका निर्धारण करते हैं, एवोगैड्रो नंबर का निर्धारण।
एवोगैड्रो नंबर का निर्धारण करने में भी इस विधि का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर सूत्र निकलती है एफ बराबर एन ई। एफ बराबर एन ई में जहां पर एन जो दिख रही है इसका मान अपने को निकालना है, तो यहां पर क्या हो जाएगा एन एफ बटे ई प्राप्त होगी। एफ का मान जो निकलता है वो होती है 96,500 कूलाम पर ग्राम तुल्यांकी भार, पर ग्राम तुल्यांकी भार, ठीक है। और ई का जो मान होती है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन का आवेश, ये कितना होता है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलाम प्राप्त होती है। तो इस तरीके से यहाँ पर एवोगैड्रो नंबर का जो निर्धारण होगी तो उसको हम निकाल सकते हैं एन बराबर एफ का मान रखेंगे 96,500 बटे 1.6 × 10⁻¹⁹। जब इसको सरल किया जाएगा तो एवोगैड्रो जो नंबर निकलती है वह निकलती है एन का मान 6.023 × 10³³ ये प्राप्त होती है। तो वहां पर जो एक बूंद लिया गया था उस बूंद में अणुओं की संख्या कितनी है, ठीक है, यही है एवोगैड्रो नंबर। कितनी आ रही है 6.023 × 10³³ इतनी प्राप्त होती। इसलिए यहां पर रखा गया है कि 96,500 कूलाम पर ग्राम तुल्यांकी भार, उसका जो मान कितना होगा उस बूंद का, उसमें अणुओं की संख्या कितनी होगी, इतनी होगी, ठीक है। तो ये था एवोगैड्रो संख्या के निर्धारण करने में भी इसका महत्व होती है। तीसरा इसमें हम बिंदु ले सकते हैं, तीसरा बिंदु है आवेश का क्वांटीकरण, आवेश का क्वांटीकरण अर्थात आवेश के क्वांटीकरण को हम यदि हम सूत्र के रूप में लिखे तो इसको हम लिख सकते हैं Q बराबर एन ई। तो आवेश की क्वांटीकरण की परिभाषा क्या होगी, यहाँ पर n का जो मान होगा 0, 1, 2, 3 इस तरीके से हो सकती है, और e का मान हम जानते हैं 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलाम प्राप्त होता है। तो आवेश का जो मान होगा इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज होता है, इलेक्ट्रॉन का क्या होगा पूर्ण गुणज। पूर्ण गुणज मतलब यहाँ पर यदि हम n के जगह में क्या रखें 1, 2, 3 रखें तो आवेश का मान कितना आएगा 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलाम। तो यहाँ पर Q का मान कितना निकल गया 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलाम प्राप्त होगी। तो यहाँ पर ये एक क्या है इंटीजर नंबर है, क्या है ये इंटीजर नंबर, ठीक है। तो इस तरीके से हम आवेश के क्वांटीकरण में भी इसका महत्व को समझ सकते हैं, ठीक। इसमें इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान ज्ञात करने में भी इसका उपयोग किया जा सकता है, इसका महत्व होती है। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कैसे ज्ञात करेंगे इसको भी देख लीजिए। चौथा जो महत्व है इसका इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान ज्ञात करने में, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान ज्ञात करने में इसका महत्व होती है। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हम कैसे ज्ञात करेंगे, चूंकि हम जानते हैं कि एम ई जो इलेक्ट्रॉन की द्रव्यमान होती है इसमें हम क्या करें, यदि इलेक्ट्रॉन के आवेश ई और जो विशिष्ट आवेश ई बाई एम निकलती है उसे यदि हम भाग दे दें तो उस इलेक्ट्रॉन का क्या निकल जाएगा द्रव्यमान निकल जाएगी, अर्थात एम ई बराबर इसका मान कितना होगा 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलाम। और यहाँ पर ई बाई एम का मान कितना निकाला गया था 1.76 × 10⁻¹⁹, ठीक है। यदि इसको हम भाग देंगे तो यहाँ पर एम ई जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान ये निकल जाएगी 9.1 × 9.1 × 10³³ किलोग्राम प्राप्त होती है। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन के जो द्रव्यमान होती है उसकी निर्धारण करने में भी हम मिलिकान की जो तेल बूंद विधि उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो ये इसका महत्व जो होती है वह महत्वपूर्ण है कि सबसे सरल विधि है
दूसरा क्या है कि एवोगैड्रो संख्या का निर्धारण कैसे किया जाता है, इसमें हम कर सकते हैं। और तीसरा बिंदु हम क्या ले सकते हैं कि आवेश की क्वांटीकरण क्या होती है, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन की पूर्ण गुणज होता है, इसको परिभाषित करने में हम इसका महत्व लिख सकते हैं। और इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान कैसे ज्ञात करते हैं, इसमें भी इस विधि का उपयोग किया जाता है। तो इस तरीके से हम तेल बूंद विधि के माध्यम से इलेक्ट्रॉन की जो आवेश होती है उसको भी हम क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, इसमें हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है। अगला बिंदु है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इसको EV से प्रदर्शित किया जाता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा यदि हम देखें तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो कण भौतिकी होती है, चूंकि भौतिकी की अलग अलग शाखा होती है, ठीक, तो कण भौतिकी के अंतर्गत जो ऊर्जा की जो सबसे छोटी मात्रक होती है वह होता है क्या, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा को यदि हम परिभाषित करें तो यदि एक इलेक्ट्रॉन को त्वरित करने में कितनी विभवांतर आरोपित किया जा रहा है तो उससे प्राप्त होने वाली ऊर्जा का मान कितना होगा, वही क्या होती है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ठीक है, अब यदि मान लिया जाए क्यू आवेश है, इसको हम क्या करें, वी विभवांतर से त्वरित करें, विभवांतर से क्या कर रहे हैं, इसको त्वरित कर रहे हैं, त्वरित करने पर प्राप्त ऊर्जा कितनी होगी, प्राप्त ऊर्जा ई के काइनेटिक एनर्जी ये बराबर होगी ई वी के। ठीक है, अब यहां पर ये जो आवेश है वह आवेश क्या हो, यदि एक इलेक्ट्रॉन हो तो एक इलेक्ट्रॉन को यदि हम V विभवांतर से त्वरित करें, V विभवांतर का मतलब क्या, यदि हम एक वोल्ट के विभवांतर से हम क्या करते हैं, त्वरित करते हैं, तो वहां पर ऊर्जा कितनी प्राप्त होगी, तो ये लिख सकते हैं कि यदि आवेश जो है क्या हो, इलेक्ट्रॉन यदि आवेश इलेक्ट्रॉन हो तो यहां पर Q बराबर क्या हो जाएगी, E बराबर इसका मान कितना होगा, 1.6×10⁻¹⁹ कूलम। और वोल्ट है तो वोल्ट विभवांतर लगा रहे हैं, कितना लगा रहे हैं, एक वोल्ट लगा रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर प्राप्त ऊर्जा का मान कितना हो जाएगा, E के बराबर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब हुआ 1, और E का मान कितना है, 1.6×10⁻¹⁹। ठीक है, और यहां पर विभवांतर कितना लगा रहे हैं, एक वोल्ट लगा रहे हैं, तो यहां पर अब ऊर्जा नहीं कर रही, तो ऊर्जा की इकाई क्या होती है, जूल होती है, क्या होती है, जूल। तो यहां पर कितना निकला, 1.6×10⁻¹⁹ जूल प्राप्त होती है। ठीक है, तो यहां पर एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितनी जूल हुआ, 1.6×10⁻¹⁹ जूल प्राप्त होती है। समझ में आ गया, यहां पे कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि वह 1.6×10⁻¹⁹ कूलम, ये क्या चीज है, इलेक्ट्रॉन का आवेश है। जब हम उस आवेश को किस में बदले, ऊर्जा में बदले, तो कितना निकल रहा है उसका मान, 1.6×10⁻¹⁹ जूल प्राप्त होती है। तो यहां पर मात्रा क्या हो गई, चेंज हो गई, तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना मान होता है, या उस ऊर्जा की मात्रा कितनी है, 1.6×10⁻¹⁹ जूल प्राप्त होती है। ठीक है, तो इस तरीका से इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा को परिभाषित करते हुए उसका मान जूल में कितनी होती है ये ज्ञात किया जा सकता है। ठीक, तो आज के अध्ययन का हमारा जो मुख्य बिंदु था यही था कि जे थॉमसन की विशिष्ट आवेश ज्ञात करने की जो विधि है, मिलिकान की जो तेल बूंद विधि है, उसके माध्यम से इलेक्ट्रॉन का आवेश हमने कैसे ज्ञात किया, उसके द्रव्यमान का निर्धारण कैसे निकाला, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट की क्या परिभाषा होती है, उसका मान कितना निकलती है, इन सारी बिंदुओं के आधार पर आज चर्चा किया गया। ठीक है, थैंक यू।